हेलो गाइस, ट्विटर पर कल मोदी रोजगार दो ट्रेंडिंग नंबर वन पर ये ट्रेंड कर रहा था। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजल का जो रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें अगर आप देखोगे 15 to 18 जो एग्जामिनेशन हुआ है तो 18 तारीख को जो एग्जामिनेशन हुआ था 18 November 2020 को उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस शिफ्ट यहाँ पर ईजी थे। तो नॉर्मलाइजेशन के वजह से जिन कैंडिडेट्स को 200 आने थे 195 आने थे उन कैंडिडेट के नंबर्स जो है 70 to 80 यहाँ पर कम दिखाए हैं और जो प्रीवियसली जो शिफ्ट हुई थी 15-16 को तो उन कैंडिडेट्स के जो नंबर्स से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो लगा के 70 to 80 नंबर्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। तो जो कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो उन कैंडिडेट का पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है जबकि उन कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर निगेटिव आया है। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर ट्विटर में हमें देखने को मिल रहा था एक ट्रेंड। तो यहाँ पर जो है अगर आप ट्वीट्स देखोगे कल के तो 6 नंबर पर अभी ये ट्रेंड कर रहा था। काफी सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि मोदी रोजगार दो जो है 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ट्वीट कर चुके हैं। ठीक है, मोदी रोजगार दो और जो कैंडिडेट को टाइम पास करना है वो यहाँ पर मोदी बॉयफ्रेंड दो, मोदी गर्लफ्रेंड दो, ये भी ट्वीट कर रहे हैं। बट ये काफी सीरियस इशू है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो मेथड जो लगाई जा रही है, अगर कोई कैंडिडेट स्कॉलर है अगर उसे आप अगर इजी शिफ्ट देते हो, उसने 200 में से 200 सॉल्व कर लिया, उसने तो अपना 100% दे दिया, उसकी गलती यहाँ पर नहीं है कि उसको इजी शिफ्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अगर आपने पेपर सेट इजी किए हो और नॉर्मलाइजेशन में उस कैंडिडेट के 80 to 90 नंबर अगर आप डिडक्ट कर देते हो तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसके अगेंस्ट में जो यहाँ पर कैंपेन चल रहा है उसी का नाम यहाँ पर मोदी रोजगार दो यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर हम लोग और 2 से 3 डिमांड यहाँ पर ये चल रही है, हम भी ये डिमांड करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे और भी ट्रांसपेरेंट की जाए, जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम है उसे आप बेहतर रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक शिफ्ट में आप इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हो और दूसरे शिफ्ट में आप टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन लगा के आप किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है बाहर कर सकते हो रेस से। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम ये चाहते हैं कि 18 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसे रिकंडक्ट किया जाए और जो लेवल एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बराबर रखा जाए एज कम्पेयर टू जो अपने प्रीवियस शिफ्ट लिए थे उसी के लेवल का आपको एग्जामिनेशन लेना है। या फिर आगे आने वाले समय में ये एक प्रोसेस हो सकता है कि आप जो है एक ही शिफ्ट लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एक ही दिन आप एग्जामिनेशन लेने की कोशिश करिए। तो आने वाले समय में देखते हैं कि एसएससी के द्वारा यहाँ पर क्या स्टेप या क्या एक्शन लिया जाता है। लल्लन टॉप ने भी ये न्यूज कवर किया था तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो। बट यहाँ पर उतना ही कहा गया है कि 15 और 16 को जो एग्जामिनेशन था 18 के कंपेरिजन में ये जो एग्जामिनेशन थे ये थोड़े डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर ज्यादा थी, 18 का जो एग्जामिनेशन था वो थोड़ा यहाँ पर इजी था। जिन कैंडिडेट को 200 में से 200 नंबर आने थे उनके यहाँ पर 70 to 80 नंबर यहाँ पर जो है घटा दिए गए हैं और 15 और 16 को जिनका एग्जामिनेशन हुआ था उनके यहाँ पर 70 to 80 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर एसएससी का जो है रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ट्विटर पर भी ये ट्रेंड चल रहा है, आप भी अगर ट्विटर पर यहाँ पर हैशटैग अगर डालोगे और मोदी अगर हम लोग डाल देंगे एंड अंडरस्कोर डाल देते हैं एंड यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ पर ट्वीट हो रहा है बट ये सरासर गलत है। तो रोजगार दो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर करवा दे सकते हो, ट्वीट कर देना है। तो कुछ इसी तरीके के ट्वीट्स भी आपको मैक्सिमम करना है। ट्विटर पर आजकल लड़ाई यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए काफी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।